लोग आप सभी का स्वागत है वी नेचुरल चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक और प्रोसेस बताने वाली हूँ जो कि सबसे आसान सबसे कारगर प्रोसेस है। सबसे आसान इसलिए है क्योंकि इसे सोते सोते करना है और इसको करने के लिए हमें जो चीज़ जरूरी रहेगी वो है हमारा पिलो। हमारे तकिए की हेल्प से हम हमारी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि दुनिया में सामने हमारे जो जो चीज़ें अवेलेबल है वो सब हमारी इच्छाओं को पूरी करने में मदद करती है। वो आपने फिल्म का डायलॉग भी सुना होगा, अगर हम किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात हमें उससे मिलाने में लग जाती है। ठीक है, तो ये जो हम अगर कोई चीज़ को दिल से चाह रहे हैं, हमारी इच्छा कोई अगर दिल से है, कोई मनोकामना हम दिल से कर रहे हैं, तो हमारे आसपास जो जो चीज़ है वो इस इच्छा को पूरी करने में हमारी मदद करती है। तो आज की ये जो प्रोसेस है इसमें पिलो हमारी किस तरह से हेल्प करेगा मनोकामना को पूरी करने में, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो कैसे करना है, कब करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, ये चलिए मैं आपको बताती हूँ। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए। और अगर इसी तरह की और वीडियोज देखना चाहते हैं मनोकामना से रिलेटेड, कोई परेशानियों को दूर करने से रिलेटेड, तो आपको आई बटन पर कई सारे वीडियोज के लिंक मिल रहे हैं। कई सारे टोटके मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ जो कि आपको आई बटन पर मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएंगे, ये भी आपकी इच्छाओं को पूरी करने में, परेशानियों को दूर करने में मदद करेंगे। चलिए आज के वीडियो पर मूव ऑन करते हैं। या दोस्तों, तो ये जो प्रोसेस है इसमें आपको क्या करना है, रात में सोते समय, सोने का जो समय होता है उस टाइम क्या होता है कि हम सारे काम से फ्री हो चुके होते हैं, हमारा ध्यान बस एक ही होता है कि अब हमें सोना है। तो सोने से जस्ट 5 मिनट पहले आपको इस प्रोसेस को करना है। क्या करेंगे सोते समय, ठीक है, लेट जाएं आप, जैसे जिस भी कंडीशन में आप सोते हैं, करवट में सोते हैं, सीधे सोते हैं, जैसे भी सोते हैं आप ऐसे लेट जाएं। लेटने के बाद में आपको क्या करना है, वो सबसे पहले तो अपने दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करना है। दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या करना होगा, गहरी सांसें लें, गहरी सांसें छोड़ेंगे आप, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका दिमाग एक जगह पर आएगा। आंखें बंद करके ही आप इस प्रोसेस को करें, आंखें बंद करके अगर करेंगे, ज्यादा गहरी सांसें ले लेंगे, ज्यादा गहरी सांसें छोड़ देंगे तो हो सकता है नींद भी आ जाए। तो चाहे तो आंख खोल के भी कर सकते हैं, आंख बंद करके भी कर सकते हैं, बस नींद ना आए ऐसा कीजिएगा। गहरी सांसें लें, गहरी सांसें छोड़ें, अपने दिमाग को एक ही जगह पर लाना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। जब आपको लगे कि आपका दिमाग एक ही जगह पर आ चुका है तब आपको आपकी जो इच्छा है उसे सोचना है, ठीक है। जब आपको लगे कि आपका दिमाग एक जगह पर आ चुका है, जो छोटे मोटे ख्याल है वो भी अब नहीं आ रहे, तब आपको सबसे पहले अपने भगवान को, अपने ईष्ट को धन्यवाद कहना है, शुक्रिया अदा करना है। आज का जो आपका दिन निकला इसके लिए शुक्रिया अदा करना है। आपकी सांसें चल रही है, आप सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, इन सब के लिए आपको भगवान को थैंक यू कहना है, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो इच्छा है आपको उसे सोचना है, ठीक है। ऐसे सोचना है कि जैसे वो पूरी हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल फील करना है अंदर से कि हाँ ये इच्छा तो पूरी हो चुकी है, ठीक है, पूरी हो चुकी है। अब उस इच्छा को पूरी जब वो हो गई है तो आप उसके साथ में क्या क्या करते हैं, क्या क्या चीजें महसूस करते हैं, ये आपको तकिए से कहना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देकर बताती हूँ कि आप किसी से प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं और उसकी, ठीक है, उससे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं प्यार करती हूँ आशीष से, ठीक है, उससे मैं शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। तो अब मुझे इसे फील करना है और उसके लिए मुझे एफर्मेशन देनी है, ठीक है, कि ऐसा सोचना है कि मेरी शादी हो चुकी है। और होने के बाद में जो सारी बातें जो जो हम सोचते हैं ये सब हमें तकिए से कहनी है। आप मन में कह सकते हैं, आप बोल के कह सकते हैं, फुसफुसा के कह सकते हैं, जैसा आपको लगे वैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो तकिए को कैसे कहेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान, थैंक यू, आपने मुझे सब कुछ दिया, आशीष मेरी लाइफ में आ चुके हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, हम दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत खुश हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छे से चल रही है, थैंक यू गॉड, थैंक यू, आपने इतना सब कुछ मुझे दे दिया है। बस अब एक और इच्छा है, ये सब चीज़ें मैं सामने देखना चाहती हूँ, मुझे जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें दिखाइए, अपनी आंखों के सामने मैं देखना चाहती हूँ, बंद आंखों से मैंने इन सब चीजों को फील कर लिया है, अब मैं इन सब चीजों को देखना चाहती हूँ। और बस ऐसा कहते हुए, ऐसा महसूस करते हुए, और महसूस इस तरीके से करना है जैसे, मतलब महसूस जब आप दिल से करेंगे ना तो आपको चेहरे पे हंसी अपने आप आएगी, आपकी मुस्कुराहट आ जाएगी चेहरे पर, क्योंकि जो हमारी दिली इच्छा होती है जब वो पूरी हो जाती है तो मुस्कान तो आनी वाजिब है। तो इस तरह से आप कहते हैं, मान लीजिए आप कोई स्टूडेंट है, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आपको क्या करना है, परमिशन देंगे, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, आपने मुझे मेरी इस एग्जाम को क्लियर करवा दिया, मैं इसमें पास हो चुकी हूँ, मेरे नंबर इतने आ चुके हैं, जितने भी आप नंबर सोचते हैं ना उतने नंबर आपको सोचने, नंबर आ चुके हैं, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे हर तरफ से सम्मान मिल रहा है, ऑनर मिल रहे हैं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू भगवान, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, इन सब चीज़ों को आपने मुझे दे दिया, मुझे महसूस करवाया, इसके लिए थैंक यू। बस अब मेरी एक और इच्छा है, आप इन चीजों को मुझे सामने दिखा दीजिए, महसूस तो मैंने कर लिया है, मुझे दिखा दीजिए, और ऐसा कहते हुए आप सो जाएं, ठीक है।
तो क्या होता है, ऐसा करने से क्या हुआ कि हमने दो लेवल पर काम किया। एक तो हमने हमारी वाइब्रेशंस भेजी, ठीक है, जब हमारे पास से वाइब्रेशंस जाती है, ठीक है, तो ये वाइब्रेशन यूनिवर्स के पास जाती है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो चीज हमारे पास से जाएगी वही हमें वापस मिलेगी, ठीक है। तो हमने हमारे पास में से पॉजिटिव वाइब्रेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस भेजी है जो कि वापस हमारे पास में उसी स्पीड से आएगी। तो बहुत ही जल्दी हमारे सारे काम बनते जाएंगे, जो भी इच्छा को लेकर आप इसे करेंगे वो पूरा होता जाएगा। अब हमने ये सब बातें पिलो से कही है, तो ये पिलो रात भर हमारे सिर के यहाँ पर रहना है, ठीक है, सिर के पास रहना है। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये पिलो का हमारे पास में रहना क्या दिखाता है, ये जो वाइब्रेशंस, ये जो एफर्मेशन हम देते हैं हमारे अंदर से ये जाती है सबकॉन्शियस माइंड के पास में, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना पावरफुल है कि इसके अंदर अगर कोई बात फिक्स हो गई तो वो उस चीज को पूरी करके ही रहती है। तो हमने सबकॉन्शियस माइंड तक तो ये बात कैसे पहुंचाई, जब हमने उसे फील किया, हमने महसूस किया और फिर हम तकिया लगा के सोए, हमने ये सब बातें तकिए से कही थी, तो वो तकिए से रात भर वो एनर्जी हमारे सिर में ही घूमती रही, वो वाइब्रेशन हमारे सिर में ही रही, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास में ही रही, जिसकी वजह से उसके पूरे होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। जितनी पॉजिटिविटी के साथ में, जितनी एनर्जी के साथ में आप वाइब्रेशंस देंगे, एफर्मेशंस देंगे, वो काम उतनी ही जल्दी होगा। पूरी एफर्मेशंस के साथ में, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में आप इस प्रोसेस को कीजिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। और रोज ऐसा नहीं है कि आप तकिया नहीं बदले, अगर आप पिलो चेंज करते हैं, चेंज हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, बस आप ऐसा करके, कोई भी पिलो हो चलेगा, ठीक है, ऐसा करके आप सो जाएं। लगातार सिर्फ 21 दिनों तक इसे कीजिए, सिर्फ 21 डेज तक आपको करना है और आप मैजिक 21 डेज के अंदर ही देख लेंगे। जिस लेवल की मैं बात कर रही हूँ उस लेवल पर अगर आप अपनी एनर्जी देंगे, उतनी पॉजिटिविटी के साथ में अगर आप करेंगे, तो 21 ही दिनों में आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। आप इसे कीजिए और फिर अगर कोई कंफ्यूजन है तो मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।